हेलो दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद में लीजिए स्वागत है मेरे नए चैनल में जिसका नाम है स्टोरी बाय तंजीम। तो लीजिए पेश करती हूँ ताज़ा और पहली स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक बादशाह था। उसने अपने वज़ीर से कहा कि मेरे 3 सवालों के जवाब दो, तभी मैं तुम्हें वज़ीराए पे यानी इस नौकरी पे, इस पद पे रखूँगा, वरना हटा दूंगा। तो ये सुनकर वज़ीर परेशान हो गया और काफ़ी देर सोचने के बाद में बोला कि ठीक है हुजूर, बताइए अपने 3 सवाल। हो सकता है मेरे पास उनके जवाब हों और मेरी नौकरी बच जाए। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है कि बताओ सच क्या है। तो वज़ीर परेशान हो गया, चुप हो गया, क्योंकि उसको उसका जवाब नहीं आया। तो बादशाह ने कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद में बोला दूसरा सवाल कि झूठ क्या है। तो वज़ीर फिर से परेशान, फिर से चुप, क्योंकि वो जवाब भी उसे नहीं आया। उसके बाद में बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि बताओ मतलब क्या है। अब वज़ीर की बोलती पर, क्योंकि उसको तीनों सवालों के जवाब नहीं आए, और वज़ीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपने घर चला गया। और दोस्तों, इसी परेशानी की हालत में वो अपने घर गया और वज़ीराए के कपड़े उतारे उसने, और फटे पुराने से लिबास पहन के अपने घर से निकल गया, जंगल की तरफ निकल गया। तो वहाँ पे एक जगह बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसको नौकरी खोने का डर था कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैंने तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए। तो उसी वक्त वहाँ से एक लकड़हारे का गुज़र हुआ, तो उसने देखा वज़ीर को और उसको पहचान लिया और कहा, तुम तो फलां बादशाह के वज़ीर हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह ने मुझसे 3 सवाल किए हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सका, और उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर ये जवाब नहीं आए तो तुम्हें वज़ीराए से हटा दूँगा। तो लकड़हारे ने कहा, ओह ये बात है, ठीक है मुझे बताओ वो सवाल, क्या पता मेरे पास उनके जवाब हों, और जाके ये जवाब बादशाह को बता देना। तो वज़ीर ने कहा, तुम मामूली से लकड़हारे, मुझ जैसे वज़ीर को ही, बादशाह के वज़ीर को ही वो सवालों के जवाब नहीं आए, तो तुम मामूली से लकड़हारे हो, अपनी औकात देखी है, तुम्हें वो जवाब कैसे आएंगे। तो उस लकड़हारे ने कहा, हुज़ूर इत्मीनान रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास वो जवाब हैं ही, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है मेरे पास उनके जवाब हों, और क्या पता मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ, इसलिए मैंने तो पूछा। तो वज़ीर ने कहा, ठीक है, कुछ सोच के वज़ीर ने कहा, ठीक है चलो बताओ कि सच क्या है। तो लकड़हारे ने कहा, सच मौत है, कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको ना कोई बड़ा ना छोटा, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना बच्चा ना जवान ना बूढ़ा, कोई भी इसको झुठला नहीं सकता कि मौत नहीं आएगी। मौत बरहक है और एक दिन आएगी ज़रूर, और इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई भी नहीं झुठला सकता। तो सबसे बड़ा सच मौत है। तो वज़ीर को थोड़ा इत्मीनान हुआ, तो उसने दूसरा सवाल किया कि बताओ झूठ क्या है। तो लकड़हारे ने कहा, झूठ ये दुनिया है, हम कहते हैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बार, हमारे रिश्तेदार, अगर ये सच होते तो हमारे साथ जाते मरते वक्त, तो झूठ ये दुनिया है। तो वज़ीर को फिर से थोड़ी तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ। तो वज़ीर ने कहा, ठीक है
मेरा तीसरा सवाल, बताओ मतलब क्या है? तो लकड़हारे ने कहा, मतलब के लिए तुम मेरे कल घर आना दावत पे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब किसे कहते हैं। तो वज़ीर ने सोच के जवाब दिया कि ठीक है, आ जाऊंगा। दोस्तों, अगले दिन वज़ीर लकड़हारे के घर दावत पे चला गया, उसी लकड़हारे के घर पे जिसको कल तक वो हकीर नाचिज समझ रहा था, क्योंकि उसको अपना मतलब साधना था, अपनी नौकरी बचानी थी। तो जाते ही लकड़हारे ने कहा कि अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब जानना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, वरना खाना खाओ और चलते बनो। तो वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का जवाब जानना है। तो लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, बाहर एक कुत्ता एक डॉगी खाना खा रहा है, उसके साथ खाना खाओ। तो वज़ीर ने झट से बोला कि हाँ हाँ खा लूँगा। तो लकड़हारे ने कहा, देखो ये है मतलब, मतलब में इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि उसे कुत्ते में इंसान में फ़र्क भी नज़र नहीं आता। तो ये था मतलब। और अब आपको अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं, अब मेहरबानी करके बादशाह के पास जाएं और ये तीनों जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमको इस फ़ानी दुनिया में, इस झूठी दुनिया में इतना भी दिल नहीं लगाना चाहिए जितना कि हम आज लगा रहे हैं, और आने वाली मौत को जो बरहक है, जो सच्चाई है, उसको हमेशा हर दिन जहन में रखना चाहिए। शुक्रिया।